वेलेंटेस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ में नकली सप्लीमेंट व स्टेरॉइड का धंधा कर लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिया है। इस शर्त पर कि भले ही इसका इस्तेमाल करने वाले के शरीर पर कितना भी बुरा असर क्यों न पड़े। शनिवार को एक सूचना पर पुलिस ने कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के भोला रोड पर छापा मारा तो नोटों का जखीरा बरामद। देख वहां सभी लोग हैरत में पड़ गए। अलमारी के पीछे बनाए गए जगह में नोटों के बंडल एक के ऊपर एक तह लगाकर रखे गए थे। पुलिस अभी तक करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा के नोट वहां से बरामद कर चुकी है। शाहरुख नामक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उससे पूछताछ शुरू हो गई है। सर्विलांस सेल को और कंकड़खेड़ा पुलिस को सूचना मिल रही थी लगातार कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि नकली प्रोडक्ट्स तैयार करा रहा है जो कि हेल्थ सप्लीमेंट्स है। इस सूचना को डेवलप किया सर्विलांस सेल ने और जब इस पर रेड किया है तो खड़ोली क्षेत्र से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो अपने घर पर नामी विदेशी कंपनियों के फर्जी प्रोडक्ट्स तैयार कर रहा था जिनमें कैप्सूल्स हैं और टैबलेट्स हैं जो कि स्टेरॉइड्स के तौर पे ये सप्लाई कर रहा था। वहाँ से तमाम उनके पैकेजिंग के लिए मटेरियल जो है उसके लेबल्स वगैरह, रैपर्स और होलोग्राम्स वगैरह बरामद हुए हैं और साथ ही कच्चा माल जो कि दिल्ली से लाता है जो इसने बताया अभी तक पूछताछ में दिल्ली से लाता है और फिर ये तैयार करके और नए के तौर पर बिल्कुल पैकेजिंग असली की तरह तैयार करता है जो विदेशी कंपनियाँ हैं और उनको यहाँ पर खैरनगर और अन्य मार्केट में सप्लाई करता है। मौके से इसको गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से लगभग 42 लाख रुपए बरामद हुए हैं और तमाम जो पैकेजिंग का मटेरियल और कच्चा मटेरियल ये सब बरामद हुआ। पिछले कुछ दिनों पहले ही हमने एक रेड की थी जिसमें भी अच्छा खासा बरामद की हुई थी, उसमें प्रोटीन पाउडर से लेके और बाकी फूड सप्लीमेंट और स्टेरॉइड्स वगैरह बरामद हुए थे। आज जो है प्राइमरीली यहाँ पर स्टेरॉइड्स मिले हैं और ये जो यदि आप इनकी ब्रांड वैल्यू देखें तो क्योंकि विदेशी कंपनी है और इनको मार्केट में इनकी ब्रांड वैल्यू पे बेचें तो मुझे लगता है कि 1 करोड़ के करीब का ये माल होगा। दरअसल कंकड़खेड़ा निवासी शाहरुख अपने घर में ही नकली शक्तिवर्धक इंजेक्शन और फूड सप्लीमेंट बना रहा था। इस सूचना पर मेरठ से सर्विलांस की टीम मौके पर पहुंच गई और छापा मारकर इस रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। मौके से काफ़ी संख्या में नकली शक्तिवर्धक इंजेक्शन और फूड सप्लीमेंट बरामद हुए। देखिए वहाँ का नज़ारा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बनी रहेगी हमारी इस पर बराबर नजर। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।